दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत पाक के महासंग्राम से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को दी चेतावनी और बयान जारी करते हुए कुछ ऐसा कहा जिसको सुनकर पाकिस्तानी टीम के साथ साथ आपके भी होश उड़ जाएंगे। और आखिरकार भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए क्या बयान जारी किया, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या में से कौन है बेहतर खिलाड़ी? इस बात का जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, भारतीय टीम एशिया कप के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है और कुछ दिनों के अंदर दुबई के लिए रवाना हो जाएगी और दुबई की धरती पर होने वाले एशिया कप की तैयारी में लग जाएगी, जहां भारतीय टीम 20 अगस्त को दुबई रवाना होगी और 27 अगस्त से शुरू होने वाले एशिया कप के लिए जमकर अभ्यास करेगी। जहां भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 28 अगस्त को सबसे बड़ी चिर प्रतिद्वंदी टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। जहां पाकिस्तान की टीम के खिलाफ भारतीय टीम कितनी बार इसी मैदान पर मिली वर्ल्ड कप में सबसे बुरी 10 विकेट की हार का बदला लेने के लिए खेलने के लिए उतरेगी। और इस मुकाबले से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की टीम और खिलाड़ियों को चेतावनी दे डाली, जिसको सुनकर पाकिस्तान की टीम के भी होश उड़ गए। दरअसल बयान देते हुए सबसे पहले प्रोटोकॉल राउंडर हार्दिक पांड्या ने कहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान को उसी मैदान पर हराने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है और अब की बार पाकिस्तान की टीम को इतनी बुरी तरीके से हराएंगे कि उनके द्वारा पिछली बार दर्ज की गई जीत भी फीकी नजर आएगी, क्योंकि भारतीय टीम के ज्यादातर खिलाड़ी इतने जबरदस्त फॉर्म में है कि उनको परेशान करना तो दूर, उनके सामने बयान देने तक की हिम्मत पाकिस्तानी टीम नहीं करेगी और पाकिस्तान की टीम के सामने भारत के वो खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे जो भारतीय टीम को कभी भी कमजोर महसूस नहीं होने देते और अब पूरी तरीके से पाकिस्तान हार के लिए तैयार हो जाए। तो वहीं भारत के सबसे शानदार खिलाड़ी और कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से इस समय ज्यादातर खिलाड़ियों का फॉर्म सातवें आसमान पर है और सभी खिलाड़ी कोशिश करेंगे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज करें और पाकिस्तान की टीम के बल्लेबाज बेशक ही शानदार फॉर्म में हो, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के दिल में भारतीय खून बहता है और ऐसे में भारतीय टीम हमेशा पूरी कोशिश करती है कि वो भारतीय टीम को कभी भी शर्मसार होने की नौबत ना आने दे। और इसी सिलसिले में भारतीय टीम आगे बेहतर प्रदर्शन करती पिछले वर्ल्ड कप में हार के बाद लगातार आई है और अब अग्नि परीक्षा का मौका भी भारतीय टीम के सामने आ गया है और इसको पूरी तरीके से भारतीय टीम हासिल करेगी। तो वहीं भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर विराट कोहली ने कहा है कि भारतीय टीम के ज्यादातर खिलाड़ी अपने शानदार फॉर्म में है और भारतीय टीम इस समय जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रही है, जहां भारतीय टीम अभी तक एक भी सीरीज में नहीं हारी है। जहां भारतीय टीम वर्ल्ड कप में हारने के बाद लगातार जीत दर्ज करते हुए आई है और भारतीय टीम के कप्तान के नेतृत्व में भारतीय टीम ने जीत भी दर्ज की है और भारतीय टीम ने सिर्फ 5 मुकाबले 35 में से हारे हैं बल्कि 29 मुकाबलों में अपने दम पर जीत दर्ज की है और ऐसे ही प्रदर्शन को बार बार फिर से भारतीय टीम दोहराना चाहेगी और पिछली बार वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला लेगी। तो वहीं पाकिस्तान की टीम को भारत से एशिया कप में बचकर रहना पड़ेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पाकिस्तान को एशिया कप के मुकाबले में हरा पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।